मेरा सवाल कुर्बानी के ताल्लुक से है। जैसे जी बकरा लिया था कुर्बानी की नियत से और कुछ दिन उसको मैंने घर में अपने पाला, लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ कि वो बाहर गया चरने वगैरह के लिए तो उसका पैर जो है उसका टूट गया और वो सीधा होकर नहीं चल रहा है। तो क्या क्या ऐसे बकरे की कुर्बानी हो सकती जब है? आपने उस बकरे को खरीदा था या लिया था तो क्या उस वक्त वो सही जी सालिम था मुकम्मल तौर से? जी बिल्कुल सही सालिम था मुकम्मल और तौर से। जी आपने उसी टाइम पे उसको कुर्बानी करने की नियत कर लिया था? जी बिल्कुल कुर्बानी की नियत की और हाँ, और अभी जब वो बकरा बाहर गया था चरने और उसका पांव टूट गया तो क्या इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी गलती कोई नहीं आपने कैसे मतलब थी। कैसे पांव टूट गया बताइए थोड़ा सा। कराने की कोशिश भी किया उसका कि ताकि उसका पैर सही हो जाए, तो बाहर मतलब तो टूट चरने के कैसे गया? लिए मतलब चरने के लिए जाने से तो पांव नहीं टूट जाता है, कैसे टूट गया? जैसे अभी हम लोग देखे नहीं उसको कैसे टूटा, लेकिन बाहर गया जब आया तो वो पैर से मतलब सीधा होकर नहीं चल रहा था, तो उसको दिखाया डॉक्टर वगैरह को, तो बोला कि ऐसा टूटा देखिए, पैर आप टूटा हुआ है। वो बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए कि अगर किसी ने बकरा बकरे की तायिन कर दिया कि ये कुर्बानी का बकरा है और जिस वक्त जी तायिन किया खरीदा या जिस वक्त तायिन किया उस वक्त वो बकरा ऐब से खाली था, कोई ऐब नहीं पाया जा रहा था, उसके बाद उस जी बकरे के अंदर कोई ऐब पैदा हो गया किसी वजह से, अब यहां पर ये देखेंगे कि उस बकरे के अंदर जो ऐब आया है उस बकरे के मालिक की जी किसी कमी और कोताही की वजह से आया है या उसकी तरफ से कोई कमी नहीं थी फिर भी वो हादसा हो गया। अगर उसकी कमी और जी कोताही की वजह से आया है तब तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, उसको बदलना पड़ेगा। और अगर उसने अपनी जानिब से कोई कमी कोताही नहीं किया उसके बाद भी बकरे के अंदर ऐब आ गया किसी हादसे की वजह से तब उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि उस आदमी की अपनी कोई गलती नहीं है। उसने जब बकरा खरीदा और तायिन किया तो उसने सही सालिम बकरा देख करके किया और अब वो बकरा जी फी सबीलिल्लाह है, उसकी गलती के बगैर उसके अंदर कोई ऐब आ गया है तो उसकी कुर्बानी जायज होगी। जी अगर शेख उसकी ताकत है दूसरा जानवर खरीदने की, तब भी उसकी कुर्बानी वो कर सकता है। बिल्कुल वो उसकी कुर्बानी कर सकता है और वो बकरा ऐसे ही माना जाएगा जैसे उसके अंदर कोई ऐब नहीं है। ये अलग बात है कि अगर वो आदमी उसको बदलना चाहता है तो बदल सकता है, लेकिन अगर बदलना चाहता है तो उसको उससे बेहतर बकरा लाना पड़ेगा, जी या तो कम से कम उसी के जैसा हो या उससे बेहतर हो। कुर्बानी के बकरे को बदलने का हुक्म ये है कि बदलना उस वक्त जायज है जब उससे बेहतर से आप बदलो। तो मान लीजिए वो बकरा दुबला पतला था या पांव टूटा हुआ है, दूसरा बकरा लाना चाहता है आदमी, तो सही सालिम हो तंदुरुस्त हो तो बदल सकता है, वरना अगर वो करना चाहे तो उसकी कुर्बानी भी जायज है।